गर्मियों के मौसम में पित्त प्रकृति असंतुलित होने के कारण एसिडिटी जैसी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। इसी के साथ में थ्रोट एसिडिटी जैसे कि गले के अंदर बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है और उसके कारण खट्टी डकारें आती है, अम्लता बढ़ जाती है और ऐसा लगता है कि मुंह में कड़वा पानी भर रहा है, उल्टी होने लगती है, इस प्रकार की दिक्कत होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका कि खाना ऊपर की तरफ आता है, यानी कि उसे ही एसिड रिफ्लक्स बोला जाता है, तो यह गर्मी के अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। अगर आपको थ्रोट के अंदर बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, अगर आपके गले के अंदर बहुत ज्यादा इस प्रकार से खाना ऊपर आता है, भोजन नली का खाना वापस ऊपर की तरफ आ जाता है, पेट के अंदर काफी ज्यादा जलन महसूस होती है, या आपके एसिडिटी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, यानी कि शरीर के अंदर अम्लता बहुत ज्यादा बढ़ रही है, चाहे वह भूखे पेट हो रही है इस प्रकार की एसिडिटी या खाना खाने के बाद हो रही है, तो आज की रेमेडी को आपको जरूर करना चाहिए, जिसे करने के बाद आपको इंस्टेंट आराम मिलेगा और ये आपके थ्रोट इन्फेक्शन पर भी काफी ज्यादा काम आएगी। और भी अगर आपके पेट संबंधित दिक्कतें होती है तो उस पर भी ये रेमेडी काम करेगी। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को थ्रोट संबंधित काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है तो उस पर मेरे काफी सारे वीडियो बने हुए हैं, आप एक बार जाकर जरूर चेक करें, सारी की सारी रेमेडी 100% इफेक्टिव है। मैं यहाँ पर कमेंट के अंदर प्लेलिस्ट को पिन कर दूंगी ताकि आपको देखने में आसानी रहे, और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर लिख कर रखें ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो लेके आ सकूं और मेरा हौसला बढ़ सके। एसिडिटी होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे गर्मी के कारण इस प्रकार की दिक्कत होने लगती है, पित्त प्रकृति असंतुलित होने के कारण दिक्कत होती है, कई लोगों को कफ प्रकृति अनबैलेंस होने लगती है उसकी वजह से समस्या होने लगती है, पानी की कमी अगर शरीर के अंदर ज्यादा होने लगती है तो भी एसिडिटी होने लगती है। बहुत ज्यादा मिर्च मसालों का प्रयोग किया, अचार या ऐसी कोई तली हुई चीज खाई है जिसकी वजह से भी खाना खाने के बाद तुरंत ही इस प्रकार की दिक्कत होने लगती है। कई बार रात को ज्यादा हैवी खाना खा लेते हैं तो सुबह उठ करके अम्लता बढ़ जाती है, मुंह के अंदर कड़वा पानी आता है और एसिडिटी बढ़ने लगती है। तो ये सारे ऐसे कारण होते हैं जो बिल्कुल मामूली से लगते हैं, लेकिन एसिडिटी होने पर आपके सीने के अंदर काफी ज्यादा जलन हो सकती है, गले में जलन हो सकती है, दर्द हो सकता है, तो इसे बिल्कुल भी मामूली नहीं समझना है। रेमेडी बहुत ही आसान है और इसे आप करेंगे तो आपको खुराक में ही आपको काफी आराम लगेगा। रेमेडी के लिए यहाँ पर हमको जो सामग्री चाहिए वह है मुलेठी। यहाँ पर मुलेठी का आपको जो लकड़ी का टुकड़ा आता है उसको आपका प्रयोग करना है। आपको क्या करना है, एक कप दूध लेना है देसी गाय का और उसे गर्म करने के लिए रखना है, और जो मुलेठी के टुकड़े होते हैं उनको आपको दो या चार मुलेठी के छोटे छोटे से टुकड़े दूध के अंदर डाल देने हैं। जब दूध अच्छे से बॉयल होने लग जाए तब इसको छान लेना है, थोड़ा ठंडा कर लेना है और फिर इसके अंदर आपको मिश्री का प्रयोग करना है। जो मिश्री धागे वाली आती है उसको आप डाल सकते हैं। फलों को डालने के बाद आप थोड़ा सा दूध ठंडा कर लीजिए और उसको छान करके लीजिए। जो आपके गले संबंधित दिक्कतें हो रही है वह सही हो जाएगी, एसिडिटी की दिक्कत सही हो जाएगी, गले में बहुत ज्यादा खट्टी डकारे आती है, पानी भर जाता है कड़वा, या फिर आपका मुंह का टेस्ट भी काफी चेंज होगा, तो उससे भी ये सारी बीमारियों को बिल्कुल ठीक करेगा। तो ये रेमेडी काफी पावरफुल है और किसी भी समय पर किया जा सकता है, तो आप इसको कर सकते हैं, इससे आपके और भी थ्रोट इन्फेक्शन सही होंगे। परहेज के तौर पर आपको खट्टी चीजें, अचार, दही, इन सब चीजों का सेवन नहीं करना है। अगर हो सके तब तक आपको तला हुआ नहीं खाना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। कई बार चाय कॉफी का ज्यादा सेवन करने से भी ये समस्या बढ़ जाती है, तो तब तक आपको उनका प्रयोग भी नहीं करना है। मटकी का ठंडा पानी लेना है जब भी आपको एसिडिटी की समस्या लगती है। मटकी का पानी पीने से भी अपने आप ही आपके गले की जलन को सही किया जा सकता है, एसिडिटी को कम किया जा सकता है और पित्त प्रकृति उससे संतुलित होती है, क्योंकि मटकी के पानी के अंदर भी काफी सारे पौष्टिक तत्व होते हैं जो हमारे गले को और हमारी बॉडी को बिल्कुल सही रखते हैं। मटकी के पानी पीने से भी आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर हो सकती है, तो इन उपायों को आप कर सकते हैं, कुछ परहेज आप रख सकते हैं। अगर जानकारी कुछ यूजफुल रही है तो सभी के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।